हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वे वर्ष आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपके पर्सन की करंट रूप फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह के विचार इस पर्सन के मन में आ रहे हैं, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है इस पर्सन की सोच। ओके, हमारे पास कार्ड्स आए हैं द मून, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके बारे में जब सोचते हैं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी पैशनेट किस्म के इंसान हैं। जितना इस पर्सन को लेकर आप सीरियस हैं, उतना ही अपने करियर को लेकर भी आप सीरियस हैं। और जितना आप दिखने में अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटीफुल हैं, उतना ही आपका दिल भी ब्यूटीफुल है। आप किसी के साथ में भी ना तो अन्याय करते हैं और ना ही अन्याय सहते हैं। आप चाहते हैं और बल्कि आपकी कोशिश रहती है कि सबको अन्याय मिले और सबके साथ में जस्टिस हो, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर इंसाफ रहता है। आप हमेशा ही अपने जीवन को बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन से अगर आपने प्यार किया है तो आप प्यार के बदले में प्यार चाहते हैं, और जब कभी आपको बदले में प्यार नहीं मिलता तो आप काफ़ी हर्ट हो जाते हैं। आपको ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि जब आप जिस इंसान को जितना दे रहे हैं वो इंसान बदले में आपको उतना प्यार, उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। आपके साथ जो भी छल कपट अगर हुआ है तो वो आपको बहुत बुरा लगता है। आप ये सोचकर काफ़ी दुखी हो जाते हैं कि लोग आपको उतना नहीं देते जितना आप डिज़र्व करते हैं। इस पर्सन की नज़र में आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और ये पर्सन आपकी ब्यूटी पर मर मिटा है। इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स, जो इमोशंस हैं, उन फीलिंग्स और इमोशंस का इजहार ये पर्सन आपसे करने का सोच रहे हैं। आपको अगर अभी तक इस पर्सन ने प्रपोज़ नहीं किया है तो ये पर्सन बहुत जल्द आपको प्रपोज़ करेंगे, और ये पर्सन इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ही करेंगे, क्योंकि ये पर्सन अच्छे से जानता है कि आप छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाते हैं। अब ये पर्सन ये नहीं चाहते कि आप इस पर्सन की किसी बात से हर्ट हो, तो ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते और आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन उसी तरह ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा जिस तरह से आपने इस पर्सन को बातों ही बातों में बता दिया है, जता दिया है कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो आपकी पसंद और नापसंद के मुताबिक ये पर्सन आपके लिए सारे अरेंजमेंट करने का सोच रहे हैं। ये पर्सन बहुत जल्द आपको प्रपोज कर सकते हैं। तो इस पर्सन की नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आया है, और अब ये पर्सन आपको प्रपोज करके किसी ना किसी रिश्ते में बंधने का सोच रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो।